स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जीएस। शिवशंकर जीके जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे आप लोगों को, वीडियो पूरा शेयर करना है तो दबा के शेयर करना है, और इस वीडियो को इतना दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कर देना, लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो सुनिए आप लोग को, हम पावापुरी बीएससी नर्सिंग कॉलेज पावापुरी और एनएमसीएच पटना दोनों नर्सिंग कॉलेज के बारे में बताया। आज आपका तीसरा नर्सिंग कोर्स कॉलेज, जो नर्सिंग कोर्स आपका कराता है बीएससी नर्सिंग कोर्स, जेएलएनएमसी भागलपुर, यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, जहां आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। और इस भागलपुर वाले कॉलेज जेएलएनएमसी में आपका कैटेगरी रैंक क्या है, कितना नंबर कैटेगरी पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, वीडियो पूरा देखना है और एक एक बात अच्छे समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जेएलएनएमसी भागलपुर वाले कॉलेज में कैटेगरी, कितना कैटेगरी पे एडमिशन होगा और कितना रैंक पे एडमिशन होगा, कौन से कैटेगरी में कितना रैंक आता है, सबके बारे में जानकारी देंगे, वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री के बारे में, डिसेबल कोटा। तो देखिए, डिसेबल कोटा में जो स्टूडेंट आते हैं और उनका यूआर कैटेगरी रैंक, यूआर जो रैंक दिया गया है, जो स्टूडेंट डिसेबल कोटा में आते हैं उनका यूआर रैंक दिया गया है 6211 से 10081, याद रखिएगा 6211 से 10081 के बीच में आपका रैंक आता है और आप डिसेबल कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की चांस है, काउंसलिंग करवाइए। अगर डीक्यू डिसेबल कोटा के कैटेगरी रैंक की बात करें तो आपका अगर कैटेगरी रैंक 17 से 29 के बीच में आता है, 17 से 29 है, तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। अगर हम बात करें यूआर वालों का, कि जो यूआर कैटेगरी में आते हैं उनका यूआर रैंक जो दिया गया है वो 129 से लेकर 319, ध्यान समझिएगा, जो स्टूडेंट यूआर कैटेगरी में आते हैं और उनका यूआर रैंक 129 से 319 है तो बीएससी नर्सिंग में उनको एडमिशन मिलेगा, एडमिशन का चांस है, काउंसलिंग करवाइए। और अगर इसके कैटेगरी की बात करें तो जो यूआर कैटेगरी में आता है उनका कैटेगरी अगर बात करें तो कैटेगरी भी उनका इस बार एडमिशन होने वाला है भागलपुर वाले कॉलेज में, तो उनका कैटेगरी रैंक भी 129 से 319 के बीच होना जरूरी है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में आता है उनका यूआर रैंक अगर 1996 से एक आपका लगभग 1996 के आसपास आता है, या 1996 के आसपास आता है आपका यूआर रैंक और कैटेगरी रैंक आपका 10 आता है तो आपको भागलपुर वाले कॉलेज में मिलने की संभावना है। एसी कैटेगरी, अगर एसी कैटेगरी की बात करें तो एसी कैटेगरी वालों को अगर यूआर रैंक अगर उनका 911 से 2175 के बीच है, जो स्टूडेंट एसी कैटेगरी में आते हैं और उनका यूआर रैंक 9111 से 2175 के बीच आता है तो उनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की चांस है। अगर एसी वालों की बात करें कैटेगरी रैंक का, तो जो स्टूडेंट एसी में आते हैं उनका कैटेगरी रैंक अगर 44 से 121 के बीच है तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगी। अगर बीसी की बात करें तो बीसी में कैटेगरी में जो आते हैं वैसे स्टूडेंट जो बीसी कैटेगरी में आते हैं और उनका यूआर रैंक जो आया है वो 346 से 462 के बीच में आया है तो उनको एडमिशन बीएससी नर्सिंग में मिलेगा। अगर बीसी की बात करें कैटेगरी रैंक, जो स्टूडेंट बीसी में आते हैं और उनका कैटेगरी रैंक अगर आया है 154 से 210 के बीच आया है तो एडमिशन की चांस है, आपको एडमिशन मिलेगा। ईबीसी की बात करते हैं, अगर ईबीसी का, तो जो स्टूडेंट ईबीसी में आते हैं उनका यूआर कैटेगरी रैंक 449 से 827, ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट ईबीसी में आते हैं और उनका कैटेगरी रैंक जो है 449 से कैटेगरी नहीं सॉरी यूआर रैंक जिनका जो ईबीसी में आते हैं उनका यूआर रैंक अगर 449 से 827 आया है तो एडमिशन बीएससी नर्सिंग मिलेगा। अगर कैटेगरी रैंक की बात करें ईबीसी वालों को, तो कैटेगरी रैंक अगर 82 से 176 के बीच में है तो उनको एडमिशन मिलेगा। आरसीजी वाले में, जो आरसीजी में आते हैं उनका, जो आरसीजी कैटेगरी में आते हैं उनका यूआर रैंक अगर 546 से आसपास है, या 546 है या 546 के आसपास है तो उनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन
मिलेगा। अगर आरसीजी वालों कैटेगरी रैंक की बात करें तो उनका कैटेगरी रैंक अगर 202 या 200 के आसपास है तो उनको बीएससी नर्सिंग एडमिशन की चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो स्टूडेंट आते हैं, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनका अगर यूआर रैंक की बात करें तो यूआर रैंक 389 से 713 के बीच है तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की संभावना मिलेगी। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो स्टूडेंट आते हैं उनका कैटेगरी रैंक अगर 62 से 114 के बीच है तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलने की संभावना है, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको एनएमसीएच पटना, आप वर्धमान मेडिकल कॉलेज भागलपुर और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पावापुरी आप में पड़ता है वर्धमान मेडिकल कॉलेज, और JLNMC जो पड़ता है भागलपुर में पड़ता है, और NMCH पटना में। तो ये जो तीन कॉलेज था आपके पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग का 180 सीट है, जिसमें तीनों कॉलेज में 60-60 सीट है, और तीनों कॉलेज के हम आपको कैटेगरी बता दिए कि इस कैटेगरी में कितना पे एडमिशन है। और जो पीछे आपका भागलपुर और ये भागलपुर का ये है, और आप पावापुरी और एनएमसीएच पटना का वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।